ये विज्ञान की बड़ी अच्छी देन है कि इसके माध्यम से हम लोग कई सारे कीमती दृश्यों को संग्रहित करके रख सकते, लेकिन बहुत सारा फोकट संग्रह करने में भी हमारी ऊर्जा चली जाती है, नुकसान भी है। कुछ अच्छा संग्रह भी हो सकता है तो फालतू में भी दिमाग बहुत जाता है। मेरे भाई बहन हजार हजार फोटो तो सबके कैमरे में ही मोबाइल में ही होंगे, मैं समझता हूं हजारों फोटो, पलक पलक पर फोटो ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा कभी कभी हम बैठे बैठे याद करते कैसा जमाना था, कोई समय कोई प्रसंग पर फोटोग्राफर को ऐसे मनुवार करके बुलाया जाता था जैसे पंडित जी को बुलाते, और फिर फोटोग्राफर भाव खाते थे कि हम तो अभी अभी नहीं आ सकते हो, तो उनके हिसाब से टाइम बदलना पड़ता था, भाई उनको टाइम है उस हिसाब से, फिर वो आते थे, फिर उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, अंकल जी एक आप फोटो खींचो, अंकल जी एक ये फोटो खींचो, एक देखो इधर खींचो उधर खींचो, फिर वो एकदम ऐसे भाव खाते खाते हो गई इतना भाव ही नहीं देते, हो गई ठीक। फिर उसके बाद महाराज उनकी दुकान पर चक्कर काटो, फोटो आई क्या, बोले अभी नहीं आई, फिर 7-8 दिन बाद आई क्या, बोले नहीं, बोले रील सूख रही, बोले रील ही दिखा दो इतना फोटो देखने का चाहो कि फोटो नहीं कोई रील ही दिखा दो आप, तो वो रील कोई महाराज धूप में ऐसे करके देखते, हाँ फोटो बढ़िया है कृपानाथ। तो मेरे भाई बहन विज्ञान की बड़ी अच्छी देन है कि आप लोग सब उसका संग्रह कर सकते, लेकिन उसका दुरुपयोग भी बहुत है, आपका समय इस चीज में बहुत चला जाता है, बहुत लोगों का चला जाता है। खैर